भाकपा जिला परिषद कोडरमा की बैठक चंदवारा प्रखंड के काको पंचायत भवन में पुरुषोत्तम यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कॉमरेड केडी सिंह ने कहा कि देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार दवा और ऑक्सीजन मुहैया कराने में असफल रही। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है। कृषि काले कानून के खिलाफ लाखों किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी पार्टी कोरोना काल में जनता के साथ खड़ी रही। पार्टी ने कहा कि झारखंड में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है, हमें झारखंड सरकार को भी आगाह करना होगा कि भ्रष्टाचार पर सरकार रोक लगाए। चंदवारा से इंद्रदेव के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट। वो नेता राष्ट्र हो, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, देश आंखों के राजनीति करिए। केडी सिंह अगर गलत ले जा रहा है पार्टी को, तो उसके जगह है उसके लीड करके भेजिए कि गया था वहां जिला परिषद में, उन्होंने ऐसा करके पार्टी को ऐसा किया। बात वहां सुनवाई होगी कि आप सही थे कि गलत। आज 17 जुलाई 2021 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा की बैठक चंदवारा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत भवन काकू में पुरुषोत्तम यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। जैसा कि आज पूरे देश में जो हालात है मोदी के शासन काल में, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू गया है, रसोई गैस का दाम बढ़ चुका है, और मोदी जी ने नारा दिए थे कि हम महिलाओं को दिया सम्मान, और वही महिलाओं ने सिलेंडर गैस लेकर के सड़क पर उतर कर विरोध कर रही है कि हमको अब सिलेंडर गैस नहीं चाहिए, हमको फिर वही पुराने जमाने में वो लकड़ी और गोईठा जला करके खाना बनाने पर मजबूर है। ये मोदी सरकार जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान महंगाई बढ़ाने का काम किया है और दलितों एवं मुसलमान भाइयों पर पूरे देश में अत्याचार बढ़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी इसको घोर निंदा करती है। और आज की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग आंदोलन महंगाई के सवाल पर, डीजल पेट्रोल के सवाल पर, रसोई गैस के सवाल पर आंदोलन तेज करेंगे। और मोदी सरकार के जो काला नीति है, ये काला कानून जो लाए हैं, कृषि काला कानून, उसको भी निरस्त करें और किसानों के हित में काम करें, और नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पर उतर के चरणबद्ध आंदोलन करेगी। देश अभी संकट के दौर से गुजर रहा है और वह संकट एक महामारी का संकट है जो कोरोना के संकट से दुनिया और हमारा देश गुजर रहा है। इस देश के लाखों लोग कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई, वे मर गए। हमारे हॉस्पिटल में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम तमाम लोगों को ऑक्सीजन या उनके लिए वेंटिलेटर की सुविधा दे सकें। तो ये संकट से तो हमारा देश लड़ा, हमारे लोग लड़े हैं, लेकिन जो देश पर लोकतंत्र की ताना, लोकतंत्र पर जो खतरा उत्पन्न हो गया है, जो संविधान को खतरे में डाल रहा है केंद्र सरकार, ये उससे भी बड़ा संकट है। और केंद्र सरकार तानाशाही जो रवैया हर चीजों में अपना रही है, जो सरकार के खिलाफ बोले, जो सरकार के कानून के खिलाफ बोले, उन पर राजद्रोह का मुकदमा करना और उनको जेलों में डालना, और कहीं कहीं उनको षड्यंत्र के नाम पर कि प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे, इस तरह से बूढ़े लोगों, स्टेन स्वामी, बरबरा राव और भारद्वाज जैसे लोगों को जेल में डालना, नौलखा को जेल में डालना, यह प्रतीत होता है कि सरकार बिल्कुल जो है से निरंकुश हो गई है। सरकार तानाशाही रवैया की ओर हो रही है। इसलिए हमारे देश के तमाम लोगों को जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, और जो किसानों के जो तीनों कृषि कानून हैं जिन पर सरकार जो है से लगातार 11 बार वार्ता कर चुकी, इसके बाद कह दी कि आप कोई वार्ता नहीं होगा और अगर मानना है तो आप कानून को मानिए, तो ऐसा कह करके जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है
तो देश में किसान आंदोलन को समर्थन करना होगा, इस देश को महंगाई से निकालने के लिए संघर्ष करना होगा, इस देश को जो रोजगार खड़ा करने के लिए संघर्ष करना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा, देश के तमाम लोगों को जो है इसमें बढ़ करके भाग लेना होगा, तभी देश जो है हमारा स्थिर हो सकता है।